यह वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरी ओर से जोहार। आज हम लोग जानेंगे कि मुंडा लोगों में होरो गोत्र और आइंद गोत्र कैसे बना, तो इस विषय में हम लोग आज जानेंगे। तो जैसे मैं अपने बुज़ुर्गों के द्वारा जैसे मैंने सुना है वैसे आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सबों को सबसे पहले हो जाए। तो इस वीडियो को मैंने मुंडारी में भी बनाया है। तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो हमेशा कमेंट आता है, जैसे मैं मुंडारी में अगर वीडियो बनाता हूं तो कमेंट आता है कि आप हिंदी में बनाइए क्योंकि मुंडारी समझने में दिक्कत होती है। और अगर मैं हिंदी में बनाता हूं तो बहुत से लोग जो मुंडारी सुनना पसंद करते हैं वे लोग बोलते हैं कि नहीं, आप हिंदी में नहीं, आप मुंडारी में बनाइए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय में मैं दोनों भाषा में वीडियो बनाऊंगा, एक मुंडारी में एक हिंदी में। तो जिसको जो पसंद है आप लोग वही देखिए, चाहे दोनों देखना चाहते हैं तो दोनों देखिए। जिसको मुंडारी सीखना हो तो हिंदी को देखिए, उसके बाद मुंडारी को देखिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ कि तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि होरो गोत्र कैसे बना और आइंद गोत्र कैसे बना। तो होरो गोत्र का तीन तरह का किस्सा हम लोग सुनने को मिलता है बुज़ुर्गों के द्वारा। तो हम लोग पहले होरो गोत्र के बारे में सुनेंगे, उसके बाद में लास्ट में होरो और आइंद गोत्र के बारे में सुनेंगे। तो कहा जाता है कि मुंडा लोग पहले एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते हुए वे लोग छोटनकपुर एरिया घुसे, और कहा जाता है वे लोग एक बड़े झुंड में रहने लगे। और जब वहाँ जनसंख्या अधिक बढ़ गई तो वे लोग अन्य किसी दूसरे स्थान की खोज में छोटे छोटे झुंड बनाकर वे लोग बट गए ताकि नया जगह में उनको पर्याप्त संसाधन मिल सके। तो वैसे ही एक झुंड उस बड़े झुंड को छोड़कर दूसरे नए स्थान की तलाश में वे लोग निकल पड़े। तो जाने के क्रम में वे लोग जा रहे थे तो उस रास्ते पर एक नदी थी, तो वे लोग नदी पार करने लगे। तो नदी जब पार कर रहे थे तो उस समय कुछ लोग तो नदी पार कर गए और एक व्यक्ति जो है वो नदी के बीच में था, और वही समय अचानक से बाढ़ का पानी आया तो वह बहने लगा। तो वह क्या किया, तो वह नीचे डुबकी लगाकर कछुए की तरह वो तैर के वो नदी पार किया। तो जब लोगों ने देखा कि वह आदमी कछुए की तरह ज़मीन के अंदर तैर के नदी पार किए, तो कछुआ को हम लोग मुंडारी में होरो कहते हैं। तो वो लोगों ने कहा, अरे तुम तो कछुए की तरह तुम तो नदी पार किया नीचे अंदर तैर कर। तो इस तरह उस आदमी के जो भी वंशज हुए तो उनका जो गोत्र जो है वो होरो टाइटल वो लग गया, होरो गोत्र पड़ गया। तो वैसे ही एक दूसरा घटना कहते हैं, दूसरा किस्सा के बारे में कहा जाता है बुज़ुर्गों के द्वारा कि वैसे ही नदी पार करने के क्रम में नदी कुछ लोग तो पार हो गए और एक व्यक्ति वो नदी के एक दूसरे किनारे पर रह गया। और वैसे ही
बाढ़ का पानी अचानक से आ गया नदी में और धीरे धीरे इतना नदी इतना भयंकर रूप ले लिया कि उसमें पार करना बहुत दिक्कत, देखने से ही डर लगने लगा उस व्यक्ति को। तो वह अकेला जब इस किनारे में बच गया तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, अरे मुझे कौन नदी पार कराएगा, इतना भयानक नदी कौन मुझे पार कराएगा, जो मुझे पार कराएगा मैं उसे ज़िंदगी भर उसका नाम नहीं भूलूँगा और अपने वंशजों को मैं उसी का नाम दे दूँगा। तो इस तरह जब चिल्लाने लगा तो कहा जाता है एक बहुत बड़ा कछुआ निकला, नदी से निकला। और जब कछुआ नदी से निकला तो वह व्यक्ति क्या करता है, उस कछुए के ऊपर चढ़ जाता है और उस कछुए ने उस आदमी को नदी पार कराया, ऐसा कहा जाता है। तो यह अगर आजकल के समय में अगर सुना जाए, अगर सोचा जाए तो यह घटना काल्पनिक लगता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई नदी किनारे चिल्लाएगा और कछुआ, बड़ा सा कछुआ निकल जाएगा और वो नदी पार कराएगा, कि हो सकता है बड़ा सा कछुआ था उसके द्वारा वो नदी पार किया, इसीलिए उसका गोत्र हुआ उस कछुए के द्वारा मैंने नदी पार किया है, इसीलिए वह अपने वंशजों के लिए खुद का गोत्र मतलब होरो चुन लेता है, ऐसा हो सकता है। तो तीसरा घटना, तीसरा किस्सा इस प्रकार कहा जाता है हमारे पूर्वजों के द्वारा कि एक नदी थी जिसके दोनों ओर दो गांव थे और उस नदी में बहुत ढेर सारी मछलियां थी उसमें। और तो पहले के ज़माने में लोग, क्योंकि जनसंख्या उनकी कम थी तो वे लोग बहुत से काम, हर काम को मिलजुल कर करते थे, जैसे कहीं शिकार करना, चाहे कुछ कोई खेतीबाड़ी करना, चाहे मछली पकड़ना, बहुत सारे कामों को वे मिलजुल कर करते थे। तो वैसे ही जब वे लोगों ने सोचा कि चलो आज हम लोग मछली पकड़ते हैं, तो वे लोग दोनों गांव, नदी के इस पार का गांव और नदी के उस पार का गांव, वे लोग मछली पकड़ने के लिए दोनों इकट्ठे होकर मछली पकड़ने लगे। और मछली पकड़ने के बाद में अंत में मछली का जो भी पकड़े, जैसे मछली हुआ, केकड़ा हुआ, कछुआ हुआ, बहुत सारा जो भी जो खाया जाता है उसको पकड़े और अंत में उसका बंटवारा करने लगे। जितने लोग गए थे मछली पकड़ने के लिए सब कोई बांटने लगे। तो अंत में क्या हुआ, एक कछुआ और एक मछली, जिसको कि मुंडारी में उस मछली का नाम है आइंद मछली, जैसे रेहू कतला जिसे हम लोग होता है मछली का नाम होता है, वैसे एक मछली का नाम आइंद मछली है। तो एक आइंद मछली और एक कछुआ बच जाता है बांटने के बाद में। तो वे लोग कहने लगे, इसको कैसे हम लोग बांटेंगे, एक ठो आइंद मछली बच गया और एक ठो कछुआ बच गया, तो इसको हम लोग कैसे बांटेंगे। तो गाँव वालों ने कहा कि इसको हम लोग गोटा गोटा ही हम लोग बांटेंगे, तो गांव में बांटेंगे, उन लोगों ने कहा। तो उन लोगों ने कहा ना ठीक है, इस गांव के लोग कछुआ ले ले और उस गांव के नदी के उस पार के जो लोग हैं वे लोग आइंद मछली को ले जाए। तो उस तरीक़े से वे लोग बांटे और जिस गांव के लोग का हिस्सा में कछुआ आया वे लोग होरो गोत्र लिखने लगे, होरो गोत्र कहलाने लगे, और जिस गांव के लोगों को आइंद मछली हिस्सा में मिला वे लोग आइंद गोत्र कहलाने लगे। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि होरो गोत्र और आइंद गोत्र कैसे बना। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फिर से मैं कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं आने वाले समय में और लाऊंगा। आने वाले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा, तब तक जोहार।